एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों मैं हूँ पूजा। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आपकी आमदनी बहुत कम है और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, तो आप बचत कैसे करो। कल जो टाइम चल रहा है इसमें खर्चा पूरा करना ही बहुत बड़ी बात है, बचत की बहुत दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। हो पता है, अगर आप पूरे साल भर कमा कर रखे जो रखे हो, थोड़ा बहुत पैसा जो थोड़ा सेव किए हो आप, ठीक है, अब वो आप 2-3 महीने बैठ करके खाओ, मतलब कि वो सारे के सारे पैसे आपके चले जाएंगे। तो इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में हम बात करेंगे आज कि आप इस टाइम पर भी पैसे कैसे बचत कर सकते हो। देखो, आपको छोटी छोटी चेंजेस करनी है, छोटी छोटी बचत बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। सिर्फ सारा दिन घर पे ही रहना है तो आप अपने आप से काम करना शुरू कर दो, इससे आपके पैसों की बचत ही होगी, साथ ही आप फिट रहोगी, हेल्दी रहोगी। बात करूँ मैं और टिप्स नंबर 2 की, तो अगर आपने दूध लगाया, आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आप उसकी जो मलाई होती है उसको यूज ना लेकर के आप उसको स्टोर करके रखते जाओ। हर एक घर में फ्रिज होती है, अगर फ्रिज नहीं है तो आप किसी भी बाउल में, किसी भी कटोरे में, किसी भी डिब्बे में आप उसको स्टोर करो, और थोड़ा वो हो जाए, मतलब क्वांटिटी में हो जाए इतना कि आप उसे मथ सको, तो आप उसका मक्खन बना करके घी बनाओ घर पे, जिससे कि जो जोत जलाते हैं उसके लिए भी आपको घी मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग घी ज़्यादा खाते हो तो आपका थोड़ा पैसा तो बच जाएगा, घी आपको नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही अगर आपके बच्चे छोटे छोटे हैं तो आप उनको फ्रूट वगैरह बाहर से मत लाओ, क्योंकि अभी सेफ नहीं है थोड़ा सा भी फ्रूट वगैरह बाहर लाना, ठीक है। आप घर पे उनको अच्छे अच्छे हेल्दी हेल्दी खाने बनाकर, जैसे कि खिचड़ी होगी, दलिया हो गई, ठीक है, साथ ही पराठे वगैरह हो गए, तो आप घर पे बनाने की कोशिश करो, इससे तो आपका टाइम पास होगा। उसके साथ साथ आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा, आपका मूड ऑफ नहीं होगा, आप निगेटिव नहीं हो पाएंगे, आपके माइंड में निगेटिव जो थॉट्स हैं वो नहीं चलेंगे। उसके साथ ही साथ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप काम करते रहोगे, साथ ही बिजी रहोगे और अच्छा अच्छा बनाने की सोचोगे, तो आप हमेशा अच्छा ही फील करोगे, ठीक है। और हाँ, इस टाइम पर आप काढ़ा जरूर पिए, काढ़ा को आप अवॉइड मत करें, क्योंकि अभी इस टाइम पर दवा मिलना भी बहुत मुश्किल है, तो आप लोग कोशिश करें कि काढ़ा वगैरह आप रेगुलर लें। साथ ही बात करूँ मैं टिप्स नंबर 2 की, तो अगर आपने कोई गुल्लक या फिर पिगी बैंक रखा हुआ था जिसमें आपने सिर्फ चिल्लर डाले थे, मतलब 1 के सिक्के, 2 के, 5 के, 10 के सिक्के जिसमें आपने डाले थे सिर्फ, उसको इस टाइम पर आप यूज लो। जैसे कि जो नोट होती है, अगर हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, हम दूध के शॉप पर गए, ठीक है, डेयरी वाली दुकान पर हम गए, वहां से हमने दूध ले लिया, साथ ही दही ले लिया, लस्सी ले लिया, पनीर ले ली, उसके साथ ब्रेड दे दो, ये दे दो, फ्रूटी दे दो, बच्चों को चॉकलेट दे दो, ठीक है, इससे हमारे जो है बजट से ऊपर चले जाते हैं खर्चे। मतलब हम सोच के गए सिर्फ हमें 1 पाउच दूध लेकर के आना है 1 किलो, बट हम वहां पर पूरे 100 से 200 रुपए खर्च करके चले आए। तो आप कोशिश करो कि जो आपके पास चिल्लर है, मतलब 5 के, 10 के, 2, 1 के, उनको आप उसी हिसाब से, मतलब कि डिवाइड कर लो कि इनसे मुझे सिर्फ इतना दूध लाना है, या फिर इस टाइम पर अगर हमारे पास इतने 400 से 500 इकट्ठे हुए हैं तो हम डेली इसे दूध लेने के लिए खर्च करेंगे। उसके साथ ही साथ आप बच्चों को डेली, मतलब जैसे अगर आप 10 की नोट 20 की नोट देते हो, मतलब खाने के लिए चीज़ वगैरह, तो आप उसे इकट्ठा लेकर के आओ, मतलब जैसे कि कुरकुरे वगैरह हो गए, चिप्स वगैरह हो गई, बिस्किट वगैरह हो गई, वैसे आप कोशिश करो कुरकुरे और चिप्स आप अपने घर पर बनाओ, बिस्किट वगैरह हो गई, तो आप वो पैकेट पूरी उसकी फाइल लोगे। अगर 5 वाला बिस्किट आप परचेज करते हो उसमें 12 पैकेट रहता है एक फाइल में, तो आपको उसमें 10 रुपये बच जाएंगे, मतलब 2 पैकेट आपको फ्री मिल जा रहा है। साथ ही टॉफी वगैरह हो गई, जिससे बार बार आप शॉप पे नहीं जाओगे, आपके बच्चे शॉप पे नहीं जाएंगे और सेफ रहोगे आप लोग, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी थोड़ा पैसों की बचत कर सकते हो। उसके साथ साथ रही बात सब्जियों की, तो आप उतनी ही सब्जियां लो जितना आप खा सको, या फिर आपको वेस्ट नहीं करना है कि हम गए मार्केट, हमारे घर में खर्चा है सिर्फ 0.5 किलो का, हम 2-2, 1-1 किलो, 1.5 किलो लेकर के चले आए, सारी रख दिया फ्रिज में, खा रहे हैं, आधा फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको उतना ही लेना है जितना आपके घर में यूज होता है, फिर जितने आपके फैमिली में मेम्बर, उसी हिसाब से लो। आप किसी दिन आप सोयाबीन बड़ी बना लो, मतलब चंक की सब्जी बना लो, किसी दिन आप अदर सब्जी बना लो, बेसन की सब्जी बना लो, उसके साथ बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं वो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, साथ ही साथ दाल भी बनाओ, राजमा भी बनाओ, ठीक है। तो इससे आपका पैसों का बचत भी होगा, साथ ही आप हेल्दी रहोगे, बाहर नहीं जाओगे तो आप कोरोना से भी बचे रहोगे। तो आप लोग कोशिश करो कि घर पे रहो, थोड़ी थोड़ी बचत करते रहो, अवॉइड करो आप शॉपिंग करने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन अमेजोन पैंट्री से शॉपिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उसमें एक अमाउंट फिक्स रहता है कि आप इतने तक का अगर शॉपिंग करोगे, मतलब मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर आप 1000 तक की शॉपिंग करोगे तभी आपके एरिया में फ्री डिलीवरी होगी, और आपको जरूरत सिर्फ 200 रुपये के सामान की है। तो आप सोचो, मतलब हम 50 रुपये बचाने के लिए 800 का अलग से सामान खरीद लेते हैं,
तो आप कोशिश करो कि आप ऑफलाइन लो, जो साथ में आपके ग्रॉसरी स्टोर हो, या फिर आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए जैसे विशाल वगैरह वाले हमारे यहाँ पर तो देते हैं पॉइंट ऐड करने के लिए, तो हमारे मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, व्हाट्सएप पर भी आ जाता है कि हम डिलीवरी कर रहे हैं 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के अकॉर्डिंग। आप लोग घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हो सारे प्रोडक्ट का, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इससे तो आपके टाइम बचत होगी, साथ ही आपका पैसा भी बचेगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, और जो 200 का सामान है वो आपको 1000 रुपये दे करके नहीं लेने पड़ेंगे। आप टाइम कैसे पास करो इस टाइम पर, और उसके साथ अपने माइंड को कैसे फ्रेश रखो जिससे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो आप कोशिश करो कि अपने आप को बिजी रखो, जैसे कि किसी दिन किचन के डिब्बे धुल लिए, किसी दिन बेड सेट कर लिया, किसी दिन बेड बॉक्स सेट कर लिया, साथ ही अलमीरा वगैरह ऑर्गेनाइज कर लिया हमने, उसके साथ जो हमारे पुराने कपड़े हैं उनको डिकल्टर कर दिया हमने, साथ ही उसके साथ पुराने कपड़ों को हमने यूज कर लिया, मैट वगैरह बना लिया, मतलब बहुत सारे टिप्स हैं आपके पास यूज करने के लिए टाइम, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे मैं बात करूँ अपनी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं यूज करूँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है ना सारा दिन खाना बनाना पड़ता है, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ कभी ये करो, ऐसे ही मेरा टाइम बीत रहा है। सो दोस्तों बात करती हूँ मैं टिप्स की, तो आज की इस वीडियो में आपको 6 टिप्स दूंगी जो मैंने नोट डाउन कर ली, इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे टिप्स दी हैं, अगर आप लोग इनको अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं इस लॉकडाउन में, तो फर्स्ट है आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करो, अपनी इम्यूनिटी पावर को आप बढ़ाओ, तो इसके लिए आप काढ़ा ले सकते हो, एलोवेरा जूस वगैरह ले सकते हो, आंवला जूस वगैरह ले सकते हो, उसके साथ साथ आप सबसे बेस्ट ले सकते हो जो हम लोग इस टाइम पर यूज कर रहे हैं वो है डाबर का च्यवनप्राश, और मैं यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना है, उसके साथ आपको बेनिफिट क्या है इसके, तो आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो, और ये 2x रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर साथ ही क्लिनिकली प्रमाणित है ये, और आप लोग इसे ले सकते हो, ये 250 ग्राम 500 ग्राम और 1 किलो तक का भी पैक आपको मिल जाएगा, जो मेरा ये वाला है ये 1 किलो का है, बात करूँ इसकी MRP की तो 340 है, आपको ये 320 तक का आराम से पड़ जाएगा। बात करूँ मैं टिप्स नंबर सेकेंड की, तो हफ्ते में आप एक दिन शॉपिंग डे कर लो, मतलब कितना 7 दिन का, ठीक है, और आप डेली कभी ये लाने जा रहे हो, कभी सब्जी मतलब हल्दी खत्म होगी तब भी आप चले जा रहे हो, ये लाने जा रहे हो, तो इससे आप कोशिश करो कि हफ्ते का एक दिन बनाओ आप शॉपिंग डे, उसको कर लो, चाहे सोमवार कर लो, मंगलवार, बुधवार, मतलब जो आपको दिन पसंद है, फिर जिस दिन आप फ्री हो, मैं तो वीरवार को बनाई हूँ, जैसे कि वीरवार के दिन हमें कपड़े वगैरह नहीं धुलना पड़ता, साथ ही मतलब बहुत सारे काम है जो कम हो जाता है वीरवार के दिन, तो उस दिन हमने शॉपिंग डे बना लिया है। तो बात करूँ मैं टिप्स नंबर 3 की, तो आप कोशिश करें कि आप दूध डेयरी से लें, मतलब जो किलो के हिसाब से नाप करके देते हैं पाउच वाला आप अवॉइड कर दें, क्योंकि पाउच पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, उस पर कितने लोगों ने छुआ है उसको, और आप अगर कोशिश करो आपके आस पड़ोस में कोई गाय भैंस वाले हैं जो लोग दूध देते हैं, तो आप उनके घर से लगा लो, अगर आपको 5 रुपये महंगा पड़ रहा है तब भी सही है, क्योंकि आपको दूध पूरा प्योर मिलेगा, साथ ही गाढ़ा रहेगा, वो एकदम अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, आप घर पर जा करके उनके लेकर के चले आ सकते हो, साथ ही आपको महीने में पैसे देने पड़ेंगे। डेली डेली अगर आप डेयरी की दुकान पर नहीं जाओगे तो आपका ब्रेड दही अकड़म बकड़म आपको नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ आप दूध गए डेयरी लेकर चले आए, अगर आपका दूध थोड़ा बच जाता है उसे पका करके दही भी घर में बना सकते हो, साथ ही घी भी उसका बना सकते हो, तो आप कोशिश करो कि आप दूध गाय और भैंस का ही खरीदो या फिर डेयरी से लगवाओ आप, ठीक है, शॉप से थोड़ा अवॉइड ही कर दो आप। तो मैं टिप्स नंबर 4 की, तो देखो अभी इस टाइम पर सब लोग अपने अपने घर में हैं, बट हाँ कुछ लोगों का है खुला हुआ, जैसे कि जो बैंक वगैरह में जॉब करते हैं, या फिर जो मेडिकल स्टोर जिनकी है, या फिर मतलब कि जो अभी बाहर है जिनका जो डेली हमारी ज़रूरतें हैं उनकी जो दुकानें वगैरह हो गई, अगर आपके हस्बैंड बाहर जाते हैं, अगर आपका ऐसा कोई काम है जो न्यूज वगैरह में लगे वो लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, जो कंपनियां भी बंद नहीं हुई हैं, तो आप कोशिश करो कि अपने हस्बैंड को आप लंच बॉक्स दो, अगर आप भी जाते हो तो आप भी लंच बॉक्स अपने साथ जरूर कैरी करो, जैसे कि आप बाहर का खाना खाने से बच जाओगे, उसके साथ साथ आप हेल्दी रहोगे, साथ ही आपका मनी सेव भी होगा, उसके साथ ही साथ ठीक है आप स्वस्थ भी रहोगे, आपका टाइम भी बचेगा, तो आप कोशिश करो कि अपने साथ लंच बॉक्स आप जरूर लेकर के जाओ। करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की, तो आप कोशिश करो अपने लिए एक बजट बनाने की, जो आपका खुद का बजट हो, मतलब वो होम बजट ना हो, स्टूडेंट बजट ना हो, ठीक है, आप कोशिश करो कि आप कितना कमाती हो, अगर नहीं कमाती हो आप तो आपके हस्बैंड आपको कितना पैसा देते हैं महीने का, मतलब 2000 3000 4000, या फिर आपके पर्सनल खर्चे के लिए अगर 500 1000 रुपये मिलते तब भी आप एक बजट बनाओ कि मुझे इतनी तारीख को मिला, मुझे ये सामान की जरूरत है और मैं इतना ही पैसे इसमें डालूंगी, मतलब इतने पैसे का ही मैं खर्च करूंगी, साथ ही जो मेरे पास पैसे बचे उसको मैं इन्वेस्ट करूंगी। इन्वेस्ट का मतलब आप RD खोल सकती हो, उसके साथ आप घर पे किसी भी डिब्बे में ऐसा करके रखो जो सिर्फ आपको पता हो कि हाँ ये डिब्बा में मैं सिर्फ मैं ही यूज करती हूँ या फिर इसे मेरे अलावा कोई नहीं छुएगा, उसमें आप उसको स्टोर करते जाओ हर महीने का, आपको बार बार उसे खोल के देखना नहीं है। अगर आपको मिल गया पैसा कि आप 1000 रुपये लो आपका जो मेकअप प्रोडक्ट है, फिर जो भी है अकड़म बकड़म, मतलब 2000 3000 जो आपको मिलता है,
पर्सनल खर्च के लिए आप उतना पैसा लो, उसके साथ आपको जो जो चाहिए वो ले लो, ठीक है। आप कोशिश करो उसमें से 500 रुपये 1000 रुपये बचाने की, तब उसको अलग से रख दो, साथ ही आपका जो प्रोडक्ट है वो इकट्ठे लेकर के आओ। आप बार बार मत जाओ, अगर आप बार बार जाओगी, हफ्ते में एक बार आप जरूर जाओगी मार्केट, तो आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाए। आप गए हो लेने के लिए सिर्फ फेस क्रीम, उसके साथ आप फेस वॉश स्क्रब वगैरह भी उठा करके ले आओगी। तो आप कोशिश करो कि एक बार जाओ, साथ ही आप अपने पैसे को सेव करो। टिप्स नंबर 6 की, तो आप कोशिश करो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को आप अवॉइड करो, उसके साथ आप सोने और चांदी पे इन्वेस्ट करो। देखो आप सबसे बड़ी बात मैंने कह दी ना कि आर्टिफिशियल, वैसे मेरे पास भी है आर्टिफिशियल बहुत सारा, मुझे बहुत शौक है, बट मैं हाँ इतना शौक नहीं पालती हूँ कि जहाँ गई वहीं से उठा करके ले आया, जहाँ गई इतना सारा, मतलब इतना सारा मैं ढेर नहीं लगा के रखी हूँ। जो जो कपड़े मुझे बहुत पसंद है, या फिर कोई ऐसा ओकेजनल है, या फिर कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मुझे एकदम देसी ना लगकर थोड़ा मॉडर्न में अपने आप को ढालना है, वहाँ के लिए मैं परचेज कर लेती हूँ, या फिर जो मुझे कुछ अच्छा लगता है, या फिर मुझे ज़रूरत है, मैं वही परचेज करती हूँ। बात करूँ मैं अपने की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोने और चांदी के ही प्रोडक्ट लूँ। जैसे कि हमारे उधर पे क्या होता है, मम्मी के घर पे, तो वहाँ पे सुनार जो होते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटिव जैसे होते हैं, वो करीबी होते हैं, मतलब वो समझते हैं। हम 5,000 दे करके उनसे 20,000 का सामान ले लेते हैं, साथ में पाँच पाँच करके हर महीने देते रहते हैं। ऐसे मैं करती हूँ, हमारे घर पे मतलब ऐसे सारे सुनार होते हैं, जो मम्मी वगैरह जो कुछ भी ज्वेलरी बनानी है, तो हम इकट्ठे पैसे उनको नहीं दे पाते हैं क्योंकि इतना बजट नहीं होता है। तो अगर हमें कुछ भी लेना है, चाहे सोने का हो चांदी का हो, अगर चांदी वगैरह का, जो हमारे पुराने सामान होते हैं उसको हम तुरंत बदलवा देते हैं, उसको रखते नहीं है घर पे हम, कि हमारा पैर टूट गया, फिर बिछो वगैरह हो गया, तो उसको हम रख दें स्टोर करके नया ले लें, ऐसा नहीं है। मैं उसको तुरंत बदलवा देती हूँ, बदलवाने का मतलब ये है उसको मैं पैसे उसमें दे दूंगी, मतलब अपना जो चांदी का सामान है उसको दे दूंगी सुनार को, साथ ही जितने का वो बेट होगा, बाकी जो उनको काटना होगा काट लेंगे, उसका मेरा जो बेट है उसमें वो जुड़ जाएगा, पैसे उतने माइनस हो जाएंगे, इससे हमारे पैसों की बचत हो जाती है, उसके साथ हमारा जो पुराना सामान है चांदी सोने का वो यूज हो जाता है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, अगर मुझे कुछ नया लेना है तो पहले पुराना वाला जब तक टूटेगा जब तक मैं नया नहीं लेती हूँ, उसके साथ मैं उसको तुरंत बदलवा देती हूँ, उसके जो पैसे होते हैं उसमें ऐड हो जाते हैं, साथ ही हमें थोड़े कम पैसे देने पड़ते हैं। अगर हमारा बजट तुरंत देने का है तो हम तुरंत पैसे देते हैं, वरना उनको किस्तों में करके पैसे देते हैं। तो इस तरीके से मैं आर्टिफिशियल पर ना फोकस करके, ठीक है, सोने और चांदी पर फोकस करती हूँ। जैसे कि बात करूँ मैं आपको अपनी एक एग्जाम्पल के लिए, तो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो ये, और ये जो कान की मेरी बालियां हैं ये 7 साल पुरानी बालियां हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है ये। मैंने इसको 7 बनवाया था, उस टाइम गोल्ड का रेट बहुत कम था, मतलब 25 या 26 हज़ार में था तब का है ये, और उस टाइम पे बनवाया था हमने, आई थिंक 10-10 हज़ार में मेरी 7 बालियां बनी थी ऊपर से लेकर के यहाँ तक का, 2 इसमें का 3 इसमें का, साथ ही 2 ये हैं, तो ये 10-10 हज़ार की बनी थी, हमने इकट्ठे ही लिया था। उसके बाद अभी भी ना तो ये ख़राब हुई है और ना ही इसका कुछ वो भी हुआ है, मैं इसको डेली यूज में लेती हूँ, चाहे सूट डालूँ चाहे जींस डालूँ, मैं हमेशा यही वाली बालियाँ कैरी करती हूँ। अगर मैं ससुराल गई हूँ और कोई भी वैसे नॉर्मल फंक्शन है, मतलब से डेली लाइफ वाले रूटीन होगी हमारी, तो उसमें मैं यही पहनती हूँ साड़ियों के साथ भी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ ही हमारे कान भी नहीं बढ़ते हैं, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, काफ़ी स्टाइलिश लुक आता है एकदम छोटा सा, तो मैं यही कैरी करती हूँ। उसके साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोने और चांदी पर फोकस करूँ। अगर हमारे पास इतना बजट नहीं है तो मैं थोड़े थोड़े पैसे अपने बैंक में सेव करती हूँ, अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तब फिर मैं इकट्ठे उनकी ज्वेलरी बना लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि आजकल ज़मीन और सोना लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका रेट डेली डेली बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपने सोने में थोड़ा सा पैसा डाल करके इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कोई भी सोने की ज्वेलरी आपने खरीद ली है, तो आपकी वो कल आपको डबल रेट दे करके जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आपके रिश्तेदार आपको पैसा नहीं देते, फिर आपके पास कोई जमा पूंजी नहीं है, तो आप उसको तुड़वा करके अपनी जो ज़रूरतें हैं या फिर आपकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी जो उसको आप क्रॉस कर सकते हो। साथ ही ज़मीन होगी, अगर आपने थोड़ा सा छोटा सा छोटा मतलब कि पीस ले लिया ज़मीन का, कुछ भी मतलब थोड़ी दूर की एरिया ले लिया आप छोटा सा, उसको भी आपने खरीद करके छोड़ दिया, कल वो डबल हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा रेट हो जाएगा, डबल की बात ही छोड़ो। तो इस तरीके से आप अपने मनी सेविंग कर सकते हो, साथ ही अपने पैसों के इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मनी सेविंग को लेकर कि दी आप थोड़ी टिप्स भी दिया करो, दी आप थोड़ा मतलब इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करें वो बताओ, आरडी कैसे खुलवाओ। देखो बहन, अभी आरडी के लिए तो बैंक नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि हमारे घर सब कुछ ऑफ है, सिर्फ 8 से 11 ही है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी हम बाहर निकले। मुझे तो 1.5 महीने हो गए मैं बाहर नहीं जाती हूँ, ठीक है, सारा सामान हस्बैंड ही लेकर के आते हैं जो लाना होता है,
तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है मैं जरूर जाऊंगी और आरडी के बारे में आपको पूरी फुल डिटेल दूंगी। रही बात टिप्स की, आज को मैंने आपको 15 से 20 टिप्स दे दी हैं, आप इसमें से 5 से 10 टिप्स तो फॉलो कर ही सकते हो। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी टिप्स आपको नॉलेज भी होगी, मतलब आपको पता भी होगा, तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड कीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तो अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से मेरी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करो, जिससे कि सारी वीडियो जितनी सारी अपलोड करूँ मैं उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही जितनी सारी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ वो भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग लॉकडाउन में टाइम पास करो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।